और मैं आज की मीटिंग में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे इस लायक समझा कि शायद मैं आपकी कामयाबी के लिए कुछ सिखा सकूँ, बता सकूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं जरूर कोशिश करूँगा कि जो भी इस बिजनेस में मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है 12 साल का, जो मैंने इस बिजनेस में अपनी अपलायंस से, कंपनी से सीखा और जिसपे मैंने काम किया, क्योंकि उसी वजह से आज दोस्तों मैं इस जगह पे पहुंच पाया हूँ। और मुझे एक बात 100% पता है कि आप जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सभी का भी सपना यही पहुंचना है। यस या नो? तो दोस्तों, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम प्रकाश नारायण है और मैं भी आप ही की तरीके बस इस बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जैसे आप सभी लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बस फर्क है हम में और आप में, तो एक लेबल का। यस, यानी इस बिजनेस में आप सीडी होंगे, पीडी होंगे, बहुत सारे लोग बीडी भी होंगे, ईडी होंगे, एसडी होंगे, और मैं इस बिजनेस के अंदर जीडी हूँ। दोस्तों, कहते नहीं कि बिना वजह की कोई वजह नहीं होती है। अगर आप सीडी, पीडी, ईडी हैं और मैं आज जीडी हूँ, तो उसके पीछे कोई वजह नहीं है। जो सबसे बड़ी वजह है वह है दोस्तों, टाइम। यानी दोस्तों, इस बिजनेस में मैं 12 साल पहले आया था और आपने इस बिजनेस की शुरुआत 10 दिन, 15 दिन पहले, महीना, 2 महीने, 4 महीने पहले किया हो। यस या नो? और मैं 12 साल पहले आया था। मैंने आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आखिर मैं जीडी क्यों हूँ और आप सीडी, पीडी, ईडी क्यों हैं। यानी मैं जीडी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा समय दिया है। यस या नो? और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मैं बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हैं। बस गिलेज में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहली चीज आपको समय देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों मेरे साथ आपने भी ज्वाइनिंग किया होता तो आज आप जीडी होते, क्या होते, या मुझसे भी बड़ा लेवल आज आपके पास होता, मुझसे भी बड़ी सफलता आज आपके पास होती। अगर मैंने आपके साथ बिजनेस शुरुआत किया होता तो मैं भी आपके साथ होता। तो मैं सिर्फ आपको इस बात से कंक्लूड करना चाहता हूँ दोस्तों कि हम में और आप में जो जिस चीज का फर्क है, लेबल का है, और लेबल का है उस लिए क्योंकि टाइम मैंने आपसे ज्यादा दिया है। यस या नो? तो पहली चीज, गिलेज में सफलता पाना है तो अपने आप को आपको गिलेज में टिका कर रखना पड़ेगा। क्योंकि तो गिलेज में हमेशा एक बात बोली जाती है, जो टिकेगा वो बिकेगा, जो जो टिकेगा वो बनेगा। यस या नो? तो आपको इस बिजनेस में समय देना पड़ेगा, पहला चीज, वो भी पेशेंस के साथ में, वो भी धैर्य के साथ में, लगन के साथ में, विश्वास के साथ में। यस, दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी बात कर लेता हूं। बात करूं दोस्तों गिलेज में आने से पहले, ये जो आज मान सम्मान इज्जत सारी चीज मुझे मिला, ये मेरे पास गिलेज में आने से पहले नहीं था। क्योंकि दोस्तों मैं एक मजदूर फैमिली से था, मेरे पिताजी एक मजदूरी करते थे और जो सारा दिन पैसे कमा के लाते थे ना, उन्हीं पैसों से मेरे घर का शाम को चूल्हा जलता था। बट गांव में दोस्तों एक मिट्टी का कमरा बना हुआ था, घास फूस का एक छप्पर पड़ा हुआ था। तो बचपन से ही पैसे कमाने की अच्छी सोच थी, इतनी अच्छी नहीं जितनी मैंने गिलेज में कमाया या आज मैं जितना कमाता हूँ। और मेरी नहीं, हम सबकी होती है बचपन से ही कि हम आगे चल के अच्छा पैसे कमाएंगे ताकि अपनी घर की स्थिति को सही करेंगे। यस या नो? ऐसा नहीं कि गिलेज में आने के बाद ही हमारे पास सपने बनते हैं। हम सभी के पास गिलेज में आने से पहले भी सपने थे, पर इतने बड़े नहीं थे जितने गिलेज में आने के बाद हो गए, पर सपने थे छोटे मोटे, 15 से 20 हजार की नौकरी करने का, 15 से 20 हजार रुपया कमाने का। तो दोस्तों मैं भी 15 से 20 हजार रुपया कमाने की सोच थी बचपन से ही। पर दोस्तों हम सभी को पता है आज भी जो बाहर के लोगों की सोच है कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको ज्यादा पैसे कमाना है तो आपको नौकरी करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी तो ही आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। ये थिंकिंग आज भी है लोगों के पास। और गिलेज में जब हम नहीं आए तो हमारी भी यही थी। तो मैंने दोस्तों गांव में पढ़ाई लिखाई किया और मैंने ऐसे स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया दोस्तों जहाँ पे फेल होने का और नाम कटने का डर नहीं रहता था। ऐसी स्कूल होती है, आओ चाहे ना आओ, कोई बात नहीं, पास हो जाओगे। तो सरकारी स्कूल में दोस्तों मैंने पढ़ाई की 8वीं क्लास तक। 8वीं के बाद दोस्तों मेरे गाँव से 5 किलोमीटर कस्बा था, इंटर कॉलेज वहां था, मैंने वहां एडमिशन कराया दोस्तों। कभी पैदल चले जाते थे, कभी दोस्त की साइकिल चला के चले जाते थे, इस तरीके दोस्तों कर करके, क्योंकि साइकिल घर में एक ही थे, पिताजी काम में लेके चले जाते थे। तो 5 किलोमीटर दोस्तों रोज का सफर आना जाना होता था, कभी साइकिल से, कभी पैदल से। और इस तरीके दोस्तों मैं इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद दोस्तों मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। हमारी बहन थी, शादी में कुछ कर्जा ले लिया गया था और उस कर्जों को चुकाने के लिए दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों से कर्जा लिया था हम लोगों ने, वो लोग थोड़ा सा परेशान करने लगे, घर की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और पढ़ाई में भी दोस्तों और खर्चा जरूरत पड़ती थी, पर जो मिल नहीं पा रहा था क्योंकि पिताजी अकेले कमाने वाले थे और बड़ा परिवार था और वो अकेले सिर्फ घर ही चला पा रहे थे और इतना ज्यादा पैसे नहीं हम पिताजी दे सकते थे हम कि एक अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके। पर जो उन्होंने भी किया बहुत हमारे लिए किया। तो बात करूँ दोस्तों मैं फिर जिंदगी में पैसे कमाने के लिए, सन 2010 में मैं कानपुर शहर में आया। मैं ये सोच के आया कि मैं इंटर पास हूँ, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा काम मिल जाएगा। पर दोस्तों मैं ग्रेजुएशन इंटर की डिग्री लेके दोस्तों मैं कानपुर शहर में बहुत सारी जगहों पे काम गया, काम की तलाश में गया, पर मुझे कहीं कोई अच्छा काम नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, हजारों बेरोजगार लोग यहाँ घूम रहे थे। तो दोस्तों कहते नहीं मरता क्या ना करता, मैंने कानपुर जैसे शहर में दोस्तों मैंने
लेबर गिरी किया, हेल्पर गिरी किया दोस्तों। और दोस्तों अच्छे काम करने की वजह से जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था वहां पे दोस्तों उस कंपनी के मालिक ने मुझे सेकंड सुपरवाइजर दोस्तों बना दिया और 7,000 रुपये दोस्तों मेरी सैलरी कर दिया। और 3 से 4 ही महीना हुआ था दोस्तों, और उसी बीच आप सभी को जिस तरीके से आप सभी को आने का गिलेज में मौका मिला, आप इस बात को आज एहसास करते हैं कि नहीं करते हैं, पर आज दोस्तों इस बात को मैं भली भांति एहसास करता हूं। और जिस दिन से उस दिन से एहसास करता हूं इस बात को मैं, जिस दिन से मैंने गिलेज की ताकत को पहचाना था, मैंने गिलेज की पावर को पहचाना था, और जिस दिन मैंने पहचाना था कि गिलेज मुझे क्या दे सकता है, गिलेज में मुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है, यानी इस बात को एहसास करता हूं दोस्तों कि मेरे या मेरे माँ बाप के इस जन्म के या पिछले जन्म के कौन से ऐसे अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से मुझे गिलेज मिला। दोस्तों पहली चीज, आप गिलेज में आए हैं, आप बड़े नसीब वाले हैं, आप बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि गिलेज है क्या, गिलेज एक बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमाने का, करियर बनाने का ऑप्शन है। गिलेज एक सपने पूरा करने का जरिया है, पर ये उसके लिए है जो इस गिलेज को पहचानेगा। यस यानो, तो गिलेज एक मौका है, गिलेज एक मौका है। और दोस्तों कहते नहीं कि दुनिया में गरीब और अमीर में किस चीज का फर्क है या किस चीज का अंतर है, कहते हैं दोस्तों भगवान मौका सबको देते हैं, और जो मौके का फायदा नहीं उठा पाते वो गरीब का गरीब रह जाते हैं, और जो मौके का फायदा उठाते हैं वो अमीर बन जाते हैं। यस या नो? तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, जिस तरीके से आप सभी को मौका मिला, मुझे भी मौका मिला 12 साल पहले। पर दोस्तों मैं जब शुरुआत में इस बिजनेस को करने के लिए आया था, जैसे हम सभी इस बिजनेस को किसी ना किसी के माध्यम से करने के लिए आते हैं, आपको भी किसी व्यक्ति ने, आपके दोस्त ने, रिलेशन ने, गांव परिवार मोहल्ले के लोगों ने इनवाइट किया होगा। मुझे भी दोस्तों अप्रोच किया एक अनजान व्यक्ति, और इस बिजनेस, और वो बात करूं अनजान व्यक्ति दोस्तों वो मेरे जिला के नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं थे, वो बिहार से थे दोस्तों। और जैसे आपको अप्रोच हुआ मुझे भी अप्रोच हुआ, और इस काम की शुरुआत करने के लिए दोस्तों मैं 12 साल पहले बिहार में एक बहुत ही सुंदर जगह पड़ती है राजगीर गया हुआ था। दोस्तों राजगीर गया, मेरे अप्लाइंस ने बोला, हम सभी को पता है कि विलेज में ज्वाइनिंग फ्री है, पर अगर हमें बिजनेस करना है तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए पैसे खर्चा करना पड़ता है, हमें अपनी इच्छा अनुसार लेना पड़ता है। पर दोस्तों मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बिजनेस की शुरुआत कर सकूं, तो दोस्तों मेरी बहन ने किसी तरीके से अपना जेवर गिरवी रखवा के दोस्तों मुझे गिलेज में काम करने के लिए पैसा दिया। और दोस्तों जिस तरीके से आप सभी ने भी इस बिजनेस की शुरुआत किया, देखा सुना समझा, बीसी क्लास देखा होगा, जीआईजी होगा, हुआ होगा आपको, मैंने भी देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर दोस्तों 2 से 3 दिन 4 दिन बाद मुझे लगने लगा शायद मैं गलत जगह गया, शायद इस काम में मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, शायद इस बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना छोटा सा दोस्तों, 18 साल उम्र हो रही थी मेरी, तो मुझे लग रहा था मैं शायद टीम नहीं बना पाऊंगा, मुझे लग रहा था मुझसे कोई आएगा नहीं। मैं इस बात से निगेटिव था, मुझे कंपनी से कोई दिक्कत नहीं था, काम से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, काम को समझ चुका था कि फ्यूचर का बिजनेस है, पर प्रॉब्लम थी कि मुझे लग रहा था मैं बन नहीं पाऊंगा शायद इस बिजनेस में मैं। और जिस डर की वजह से दोस्तों अपलाइन ने मुझे बहुत समझाया, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत नहीं किया, यही डर था कि पता नहीं इस बिजनेस की मैं शुरुआत करूँ कहीं मैं कल नाकामयाब हो जाऊँ, और ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। मेरी सोच थी गिलेज में आने से पहले, जब मैं इंटर ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरी सोच बन चुकी थी कि पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, पूरी ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो मैं विदेश चला जाऊंगा कमाने के लिए, ये मेरी सोच थी। तो मुझे लगा जो मेरा प्लानिंग है, अगर मैं यहाँ समय दूंगा कहीं साल 6 महीना समय देने के बाद मैं नाकामयाब हो जाऊं, क्योंकि कामयाबी से पहले इंसान के अंदर नाकामयाबी का डर जरूर आता है, और वो डर मेरे अंदर आ रहा था, और वो डर को मैं खत्म नहीं कर पा रहा था। हेलो। तो जिसकी वजह से मैं इस काम को, मेरा प्लान ने मुझे बहुत समझाया और मैंने इस काम को नहीं किया, और मैं इस काम को छोड़ के 10 से 12 दिन रहने के बावजूद भी चला गया काम छोड़ के। पर दोस्तों कहते नहीं इंसान को जिंदगी में वही मिलता है जो खुदा को, भगवान को, ईश्वर को मंजूर होता है। कहते हैं जिस इंसान की कामयाबी जहाँ छुपी होती है भगवान उसे ले ही जाता है। तो दोस्तों मैं दोबारा से, मेरा कुछ सामान राजगीर में रह गया था, प्रोडक्ट वोडक्ट, तो मैं अपने बड़े पापा के लड़के को दोस्तों लेके, मैं प्रोडक्ट लेने के लिए दोस्तों दोबारा से राजगीर गया हुआ था। अप्लायंस ने बुलाया था कि आप अपना सामान ले जाओ, और दोस्तों गया तो मेरे सीनियर लोगों ने दोस्तों, हमारे अप्लायंस लोगों ने, जिस भाई को मैं अपने बड़े पापा के लड़के को ले गया था, उन्होंने उनको पीसी पर्चेसन दिखा दिया, जीआईजी उनकी किया, प्लान दिया। तो दोस्तों उनको ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा, और जब उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया तो हमारा बिजनेस, आप सभी को पता है, शुरुआत में लोग एक दूसरे को देख के करता, यस जानो, तो मैंने भी करना शुरू कर दिया। क्यों? इस सोच से कर दिया कि चलो मैं आज इस बिजनेस को अगर नहीं करूंगा, और अगर मैं इस काम को छोड़ दूंगा, और अगर मेरा, अगर ये भाई कामयाब हो जाएगा तो गाँव समाज के लोग फिर किसे गलत बोलेगा, मुझे बोलेगा, यस जानो। तो उनको देख के मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। पर दोस्तों कहते नहीं जब हम इस बिजनेस में आते हैं हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सस्पेंशन होते हैं, शक होते हैं। अभी जैसे हमारे देश में एक महामारी आई थी कोरोना, सरकार ने उसके रोकथाम के लिए क्या निकाला, वैक्सीन निकाला, बूस्टर निकाला, यस या नो? उसी प्रकार दोस्तों जब हम इस बिजनेस में आते हैं शुरुआत में तो हमारे अंदर बहुत सारे डाउट, सस्पेंशन, नकारात्मक विचार होते हैं, डर होते हैं। पर जैसे जैसे हम एजुकेशन लेते हैं ट्रेनिंग का, गिलेज का है, जैसे जैसे जानकारी लेते हैं तो हमारे दिमाग से वो सारे सस्पेंशन, वो सारे डाउट्स, निगेटिविटी सब खत्म होने लगती है। फिर दोबारा दोस्तों जब मैं गया, पहले मैं 10-12 दिन रहा था,
पर मैं सही से ट्रेनिंग कंपनी की नहीं लेता था, और अगर ज्यादा भी था सेंटर वेंटर ट्रेनिंग पे तो मैं सही बातें नहीं सुनता था। और दोस्तों कहते नहीं, अगर आपको भूख लगी है और अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या आपकी भूख मिट पाएगी? नहीं मिट पाएगी। उसी प्रकार दोस्तों, आप जिस काम को करने के लिए आए हैं, अगर उस काम के प्रति आपके अंदर डाउट है, सस्पेंशन है, और उस काम के प्रति आपके अंदर डर है, तो अब जब तक उस काम के प्रति जानकारी नहीं लेंगे अच्छी तरीके से, तो क्या आपके अंदर डर खत्म हो पाएगा? नहीं खत्म हो पाएगा। तो दोबारा दोस्तों, मैंने जब भैया ने इस बिजनेस की शुरुआत किया, काम को शुरुआत किया, तो उनको देख के दोस्तों मैंने भी कंपनी की सारी ट्रेनिंग को सही से लिया, मैंने समझा। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में सबको लगता है कि शायद मैं गलत जगह आ गया, शायद मैं गलत काम कर रहा हूँ, शायद या मेरा कैरियर नहीं बन पाएगा, शायद मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, ये सबके अंदर आता है, मेरे भी अंदर आया। पर दोस्तों कहते नहीं कि जब तक आप गलत सोचते हैं आपके अंदर गलत गलत आता है, जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव आता है। और कहते भी हैं दोस्तों, इंसान के अंदर पॉजिटिव विचारों का भंडार होता है। जैसे अगर हमें सोना निकालना हो तो सोना निकालने से पहले हमें बहुत सारा कोयला निकालना पड़ता है, यस या नो? उसी प्रकार दोस्तों हमारे अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव विचार हैं, पर उनको उसको निकालने के लिए पहले आपको अपने अंदर से नकारात्मक विचार निकालना पड़ेगा। तो मेरे अंदर जो सकारात्मक विचार आना जो शुरुआत हुए, तो मेरे अंदर जो सबसे पहले सकारात्मक विचार आया, मैंने सोचा, कहते जिंदगी में अपने आप को इंसान को होशियार समझना चाहिए, और इंसान होता भी होशियार है, समझना कोई गलत बात नहीं है, पर सबसे ज्यादा होशियार समझना ये मूर्खता की बात है, ये बेवकूफी की बात है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी बात ने मुझे पॉजिटिव किया था। क्योंकि दोस्तों जब इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मैं गया था, तो जहां पे मैं एजुकेशन लेता था, ट्रेनिंग्स लेता था, तो मेरे पास साथ में दोस्तों बहुत सारे लोग ट्रेनिंग क्लास लेते थे। जैसे आज 500-700 लोग आप ट्रेनिंग मेरी ले ले, 500 लोग समथिंग लोग जुड़ा है, और बहुत सारे लोग 4-6-10-15-20 लोग भी बैठे हुए। तो जहां मैं ट्रेनिंग दोस्तों लेता था, तो मेरे साथ दोस्तों 500-700 लोग ट्रेनिंग क्लास में बैठते थे। तो मेरे अंदर एक विचार आया कि जिंदगी में कभी इंसान दो काम नहीं करता। पहला काम, अगर किसी इंसान को भाई साहब कहीं फायदा नहीं होगा, क्या वो टाइम देगा? बताओ। एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी गलत हो सकता है, चार आदमी गलत हो सकते हैं, पर मेरे साथ सेंटर पे 500-600 लोग बैठते हैं, सब थोड़ा गलत हो सकते हैं, यस या नो? फिर दोस्तों मुझे लगा, मैं इस बिजनेस में आने से पहले 7,000 का महीना कमा रहा था, पर ट्रेनिंग क्लास में मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं जो 15,000-20,000 का महीना कमा रहे थे। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो बिजनेस में है। और मैंने बताया था पहले भी आपको, मुझे काम को लेकर डाउट नहीं था। मैं जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव जिस बात से हुआ, मैं जब सेंटर गया तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो मुझसे कम पढ़े लिखे थे, मुझसे कम समझदार थे, और वो PDD लेवल पे काम कर रहे थे। उस समय हमारे एक सीनियर में आते थे, अनिल सर GDD हुआ करते थे हमारे, आज भी हैं वो, उस समय वो ED हुआ करते थे हमारे, हमारे सीनियर अपलायंस सर की साइडलाइन से एक मुन्ना सर होते थे। और लोग दोस्तों, हम लोग सोचे जब हमसे कम उम्र के हैं या हमसे कम पढ़े लिखे हैं, अगर ये ADHD बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? यस या नो? तो इस बात से दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये बिजनेस कठिन नहीं है, और अगर है तो जानना चाहेंगे सिर्फ आपकी सोच में। ये बिजनेस रियल में कठिन नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस कठिन है, तो आप ग्लेज में एक बार नजर डालें, बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, आज वो ग्लेज में कामयाब हैं, आज वो ग्लेज में सक्सेस हैं। क्या आप उनसे कम पढ़े लिखे हैं? क्या आप उनसे कम समझदार हैं? क्या आप उनसे अपने आप को आप कम आंकते हैं? नहीं दोस्त, आप भी कर सकते हो, 100% कर सकते हो। करने के लिए सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करो, यस या नो? तो दोस्तों मैं आपको समझना चाहता हूँ, बिजनेस कठिन नहीं है। हमारी सुभद्रा मैम कॉलेज में आपने नाम सुना होगा, GDD है ना, पढ़ने वाली लेडीज, कभी स्कूल नहीं गई, आज GDD है। अगर बिजनेस कठिन होता तो क्या एक अनपढ़ औरत कॉलेज में GDD बन पाती? हमारी मैम कभी नहीं बन पाती। और कॉलेज में आज नहीं दोस्तों, कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपसे कम दोस्तों टैलेंट, ज्ञान, काबिलियत, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, उम्र, पहले के लोग दोस्तों आज कॉलेज में सक्सेस है। ये बात सबसे ज्यादा इस बिजनेस में ने मुझे पॉजिटिव किया था, यस या नो? फिर दोस्तों मैंने कहते जिंदगी में जीतना है तो जिद्दी बनो। तो मैंने दोस्तों ट्रेनिंग सारी लिया कंपनी की, और ट्रेनिंग लेने के बाद कहते नहीं ज्ञान से क्या, एजुकेशन से, यानी ज्ञान से क्या पैदा होता है? तो ज्ञान से पैदा होता है विश्वास। एजुकेशन से क्या पैदा होता है? एजुकेशन से हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। एजुकेशन से क्या पैदा होता है? एजुकेशन से हमें ताकत मिलती है, एजुकेशन से हमें शक्ति मिलती है जो इस काम को करने में डर लगता है। और दोस्तों जब मैंने 6-7 दिन कंपनी सारी ट्रेनिंग लिया, मैंने कंपनी की बुक्स पढ़ा, ऑडियो सुना, कंपनी की सारी वीडियो जो जो उस समय चलती थी देखा मैंने, और कंपनी के सीनियर के साथ बैठ के, जो मेरे सीनियर PDD थे, उनके साथ मैंने कंपनी के बैठ कर प्लान समझा, पॉलिसी जाना, फ्यूचर जाना, तो दोस्तों मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे भरोसा हो गया। क्या जानना चाहेंगे? कंपनी की सारी ट्रेनिंग एजुकेशन लेने के बाद मुझे भरोसा हो गया कि प्रकाश, अगर जिंदगी में नाम कमाना है, अगर अपनी खुद की पहचान बनाना है, अगर प्रकाश इज्जत कमाना है, अगर शोहरत कमाना है, अगर अपने सपने पूरा करना है, अगर अपने माँ बाप के सपने पूरा करना है, और अगर गरीब से अमीर बनना है, तो तुझे गिलेज में काम करना है। तो मैं आपको दोस्तों समझाना चाहता हूँ कि इस गिलेज में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन लें आप, पूरी कंपनी की ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, कॉन्फिडेंस होगा। अगली बात दोस्तों, जब आपके पास भरोसा होगा ना, तो सपने 100% बन जाएंगे। तो आप भी दोस्तों सपने बनाएं।
क्योंकि विलेज में कामयाब होने के लिए सबसे पहला काम हमें अपनी सोच को बड़ी करना पड़ता है, हमें अपनी सोच को सही करना पड़ता है। सफलता की शुरुआत ही है सपने, सफलता की शुरुआत ही सोच से होती है, और सोच का निर्माण होता है ज्ञान से, सोच का निर्माण होता है एजुकेशन से। तो जैसे जैसे आप एजुकेशन लेते हैं कंपनी की, वैसे वैसे आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे आप ग्लेज को जानते हैं, ग्लेज में काम करने से क्या फायदा है, ग्लेज में काम करने से क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाती है। यस यारो, तो दोस्तों मैंने भी ड्रीम्स बनाया सिटी लेवल पे कि मुझे भी बाडी बनना है, मुझे भी अच्छे पैसे कमाना है, और मैंने काम करना शुरू किया। और दोस्तों कहते नहीं कि जिंदगी में जीतना है तो जिद्दी बनो। क्या बनो? जिद्दी। मैं कुछ चीजें दोस्तों आपको सिखाता हूँ जो मेरे अप्लायंस ने मुझे सिखाया था सिटी लेवल पे, जैसे मेरे अप्लायंस ने मुझे बताया था। मैं उससे पहले एक बात बता देता हूँ, जिंदगी में अगर जीतना चाहते हो तो आपके अंदर तीन टैलेंट होना चाहिए, तीन काबिलियत होना चाहिए। तो मैं आपको बताया कि सबसे पहले बात दोस्तों, अगर जिंदगी में आप जीतना चाहते हो ना तो जिद्दी बनो, जो चीज चाहिए हाँ धो के पीछे पड़ जाओ, जब तक मिले ना रुको मत। और दोस्तों मैं इसलिए बात आपको समझा रहा हूँ, तो मैं शुरू में इस बिजनेस को नहीं कर रहा था, मैं तो काम छोड़ के भी चला गया था, पर जब मैंने ग्लेज की ताकत को समझा, ग्लेज के फ्यूचर को जाना, और मुझे पता चला कि इस काम करने से कितना बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे कितना बड़ा करियर बन सकता है, कितना पैसे मैं कमा सकता हूँ, तो मैंने कंपनी में दोस्तों सीडी लेवल पे ही मैंने कसम खाया, जब तक इस बिजनेस में मैं आड़ी नहीं बनूंगा, मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, मैं कभी अपने माँ बाप को शकल नहीं दिखाऊंगा, शादी फंक्शन किसी के अटेंड करने नहीं जाऊंगा, कोई त्यौहार नहीं बनाऊंगा, और पूरी जिद तरीके से काम करना शुरू कर दिया। और कहते नहीं दोस्तों, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो मेहनती होते हैं। यस यारो, मैंने काम करना शुरू किया। दूसरी चीज दोस्तों, मैं एक कामयाबी का मूल मंत्र मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपने लाइनों से सीखा है। पहला, एक बच्चे से सीख सकते हैं कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमारे अंदर क्या क्या। देखो, इंसान को कामयाब आप सभी को पता है कौन करता है। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि इस बिजनेस में आपको कौन कामयाब कर सकता है, तो आपके बहुत सारे आंसर होंगे। अपलाइन सर कामयाब कर सकते हैं, मैं मानता हूं अपलाइन आपका एक गाइडलाइंस है, वो आपको गाइडलाइंस करते हैं, अप्लायंस आपको रास्ता बताते हैं, अप्लायंस आपको तरीका बताते हैं। बात सत्य है कि बिना अप्लायंस के हम जल्दी शायद कामयाब नहीं हो पाते हैं, पर एक अच्छी बात हमारे लिए ग्लेज में क्या है कि ग्लेज में अप्लायंस की कमी नहीं होती हमारे लिए। ग्लेज में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, बहुत सारी अप्लायंस है जो हमें हमेशा पल पल गाइड करती है, पल पल सिखाते हैं। पर मैं आपको इस बात से समझाना चाहता हूं कि आपका अप्लायंस भी आपको कब कामयाब कर पाएगा, जब आप खुद कामयाब होना चाहते हैं। आपका अप्लायंस आपको कब कामयाब कर पाएगा, जब आपका काम करने का तरीका होगा सही होगा, क्योंकि अप्लायंस सिर्फ रास्ता बता सकता है, अप्लायंस सिर्फ तरीका बता सकता है, और चलना हमें पड़ेगा। यस यानो, तो मैं आप सभी को बताता हूं, आपका काम करने का तरीका ही आपको कामयाब करता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि इस बिजनेस में आपको कामयाब करता है आपका काम करने का तरीका। अगर आपका काम करने का तरीका सही होगा, कहते हैं इस बिजनेस में दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी और जो रियल में है, सत्य में है, कहते हैं दोस्तों इस बिजनेस में हम नहीं कामयाब है, हमारा सिस्टम कामयाब है। आप चाहे इतने पढ़े लिखे हैं, चाहे इतने समझदार हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिस्टम को फॉलोअप नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। और सिस्टम क्या है कलेज का? सिस्टम है अपलाइन की बातें, सिस्टम्स हैं सीनियरों की बातें। अगर आप अपनी अपलाइन सीनियरों की बातों पे काम कर रहे हैं तो समझ लो आप सिस्टम पे चल रहे हो। अगर आप अपने अपलाइन सीनियरों की बातों पे काम नहीं कर रहे हो तो समझ लो आप सिस्टम पे नहीं। तो आप हमेशा अपने आप को चेक करते रहो कि आप सिस्टम पे हैं। जब तक आप देखो, गलेज में दो रास्ते हैं, जो एक कामयाबी की ओर जाता है और एक नाकामयाबी की ओर जाता है। जब तक आप अपनी अपलायंस सीनियरों के अनुसार काम कर रहे हैं, अपने अपलायंस सीनियर्स की गाइडलाइंस पे काम कर रहे हैं, तो समझ लेना आप सफलता की रास्ता पे चल रहे हो, और आगे आपकी मंजिल सफलता दिलाएगी, रास्ता आपकी सफलता तक पहुंचाएगी। और अगर आपने अपने मन का दिमाग लगाना शुरू कर दिया, अपलायंस का कहना नहीं मानना शुरू कर दिया, अपलायंस के तरीके से काम नहीं करना शुरू किए, अपलायंस के टच में नहीं रहे, अपलायंस की फॉलोअप में गाइड नहीं किए, तो फिर समझ लो आप नाकामयाबी के रास्ते पर पहुंच जाओगे, और आपका आगे जो रास्ता होगा, मंजिल होगी, वो नाकामयाबी होगी। तो पहला चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलेज में कामयाब होना हो तो आप अपनी जिंदगी अपलाइन को समर्पित कर दो, और वो जिस तरीके से आपको बताएं काम करने को उस तरीके से करो, क्योंकि गलेज का अपलाइन कभी डाउनलाइन के बारे में गलत नहीं सोच सकता, हमेशा उसको वही सिखाएगा, हमेशा वही बताएगा जिससे वो कामयाब हो, जिससे वो सफल हो, जिससे वो सक्सेस हो। मैंने किया, मैंने अपनी जिंदगी अपने अपलाइन को समर्पित कर दी, क्योंकि मुझे पता था अपलाइन गलत, मैं गलेज में सोच ही नहीं सकता मेरे बारे में, क्योंकि हमें पता है हमारा नुकसान दूसरा नुकसान। कैसे आना, हमारे सपने जब पूरे होंगे तो अपलाइन के सपने पूरे होंगे, तो एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं। तो अपलायंस के ऊपर भरोसा करें, आप अपलायंस के ऊपर डाउट्स ना करें, हमेशा वो आपके अच्छे के लिए ही सोचते हैं, हमेशा आपकी कामयाबी के लिए ही सोचते हैं, उनके प्रति कभी गलत विचार ना लाए अपने दिमाग में, मैं नहीं लाया जिंदगी में आज तक और कभी नहीं लाऊंगा। आगे बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कामयाबी का मूल मंत्र लेना ना, तो एक छोटे बच्चे से हम सीख सकते हैं। पहला क्या कारण, जब एक छोटा बच्चा रोता है किसी भी चीज को लेके, तब तक रोता है वो, छोटे बच्चे को रोते हुए देखें आप लोग, सबके घर में होंगे। यस यानो, जब रोता है छोटा बच्चा होता है तो कब तक रोता है वो, जब तक वो चीज उसको नहीं मिल जाती। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो दूध के लिए रोया
जब तक उसकी माँ उसको आगे दूध नहीं पिला देती ना, रोता रहता है। उससे बड़ा कोई बच्चा अगर किसी चीज को लेकर जिद कर लिया कि मुझे खिलौने चाहिए या चॉकलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, जब तक उसको मिल नहीं जाएगा वो रोना बंद करने वाला नहीं है। यानी समझाना क्या चाहता हूँ कि उस बच्चे को दूध पीना, चॉकलेट लेना, गिफ्ट लेना, यानी जो चाहिए उसको पाना, ये उसकी कामयाबी है। और वो जब तक मिल नहीं जाता, शांत नहीं बैठता। यस यानो, तो जिंदगी में दोस्तों जो चीज चाहिए उसके पीछे फिर लग जाओ, जब तक मिले ना रुको मत। पहला कामयाबी का मूल मंत्र। और मैंने सीढ़ी लेवल पे कसम खाया था, मैंने जो आपको बताया कि जब तक मैं आड़ी नहीं बनूंगा घर नहीं जाऊंगा, पहला मूल मंत्र। दूसरा दोस्तों, आप छोटे बच्चों को ना कभी फ्री बैठे, मतलब आराम से बैठे हुए देखिए उसको कभी, आप ये आराम से बैठा हो, कुछ कर ना रहा हो, एक्टिविटी ना कर रहा हो, बिल्कुल शांत बैठा हो, देखिए आप लोग, शायद नहीं देखने को मिलेगा। छोटा बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही रहता है। यस यानो, तो इस बात से हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप एक्टिविटी करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, शांत ना बैठें, हमेशा उस काम को करते रहें जिस काम को करने से आपको कामयाबी मिले, हमेशा उस काम को करते रहें जिस काम को करने से आपको सफलता मिलेगी। शांत ना बैठें आप, हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। तीसरा चीज दोस्तों, आप कभी छोटे बच्चे को ना उदास नहीं देखे होंगे, टेंशन में बैठे हुए नहीं देखे होंगे, आगे कोने में बैठा हो कि मैं बहुत उदास हूं, आज मैं बहुत टेंशन हूं, देखिए आप लोग, वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा खुश रहता है। जो जो चीज जब तक जी नहीं मिलता टेंशन में रहेगा रहेगा, और जैसे जो चीज मिल जाती है हमेशा खुश रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है। तो इसी चीज दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होना है, सफल होना है, तो हमेशा खुश रहे, हमेशा हैप्पी रहे। कहते हैं दोस्तों, कामयाब है खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, अगर खुश होकर काम करेंगे तो खुशी 100% मिलेगी। यस या नो? तो हमेशा दोस्तों खुश रहने की आदत डालो। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ, अभी उदास चेहरा नहीं होना चाहिए आपका, मायूस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्यूचर को सोच के खुश रहो। और आपका फ्यूचर क्या है, 1 साल बाद महीने की लाखों रुपए इंसेंटिव है, इस बात को सोच के खुश रहो। यस या नो? तो तीन चीज रखो, हमेशा जिद्दी बनो सफलता के लिए, दूसरा खुश रहो, और तीसरा अपने काम में बिजी रहो। और दोस्तों मैंने यही किया, और मेरे अप्लाइंस ने मुझे और चीजें सिखाया था जो मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ, क्योंकि हर अप्लाइंस का मकसद है आप कामयाब हो, मेरा भी मकसद है आप सभी कामयाब हो, सक्सेस हो। तो जो अप्लाइंस ने मुझे बताया था मैं आपको बताता हूँ, मेरा अप्लाइंस ने मुझे चीज और सिखाया, प्रकाश अगर तुझे इस गिलेज में कामयाब होना है ना, तो किसी और को मत देखना। और को मतलब देखने का मतलब नहीं कि अकेले खा रहे हो, अकेले सो रहे, नहीं, मिलकर सबसे रहना, पर ये नहीं देखना आपको कि कौन ट्रेनिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई जाए ना जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, पर आपको ट्रेनिंग जाना है। कौन अप्रोचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपको अप्रोचिंग करना है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, बोला तुम ये सब मत देखना। अगर कलेज में तुझे टीटी चीटी बनना है, आड़ी बनना है, तो बोला अगर तू दूसरे को देखेगा तो तू फिर सफल नहीं हो सकता है। और मैं दोस्तों वही कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, बिजनेस में जुड़ने के बाद हमारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, हमारी बिजनेस से उम्मीदें जो जुड़ी जाती हैं, साथ के साथ हमारे माँ बाप मम्मी पापा की भी उम्मीदें हमसे लग जाती हैं। और हम यहाँ दूसरे को देखते हैं, वो प्रमोशन नहीं ले रहा तो हम भी नहीं लेंगे, वो लिस्ट नहीं बना रहा तो हम भी नहीं बना रहे हैं, वो सो रहा है तो हम भी सोएंगे, वो घूमने जा रहा है तो हम भी घूमने जाएंगे, वो निगेटिव बातें कर रहा है तो हम भी निगेटिव बातें करेंगे। ये दुनिया भर की गलत चीजें, उसकी हम अपने अंदर क्या करने रहते हैं, डुप्लीकेट करना, या उसको देख के हम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे, आपके मम्मी पापा या फैमिली के लोग जब इस बिजनेस में हम जुड़ते हैं तो हमसे उम्मीद लगा रखते हैं, तो आपके मम्मी पापा भाई बहन फैमिली के लोगों की उम्मीदें अगले व्यक्ति से है कि आपसे? मैं 100% कह सकता हूँ आप भी बोलेंगे सर हमसे, तो फिर हम दूसरे से को क्यों देख रहे हैं? और मैंने नहीं देखा दोस्तों। और दोस्तों जिसकी वजह से मैं दोस्तों उसी महीना मैं पीटी बन गया दोस्तों। मैंने इस बिजनेस की दोस्तों शुरुआत अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल महीने 2011 में शुरुआत मैंने किया था, मैं आपको बता दूँ। मैंने अप्रैल में सही से काम नहीं किया था, मई में भी दोस्तों मेरा थोड़ा प्रमोशन नहीं हो पाया था, थोड़ी गलत एक्टिविटी काम करने की थी, मेहनत तो खूब करते थे, सोच सही नहीं रखते थे, नेगेटिव सोचते रहते थे, काम तो शुरुआत कर लिया है, पता नहीं टीम बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, पता नहीं लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। पर जब सुभद्रा मैम का मैंने सिटी लेवल पर मीटिंग लिया 8 जून 2011 को, और जून में ही दोस्तों मैंने मेहनत कर दिया, मीटिंग लेने के बाद डर खत्म हो गया। कहते हैं सफलता सबसे पहले सोच में हासिल की जाती है, और मैंने सिटी लेवल पर ही सोच में हासिल किया कि जब तक गाड़ी नहीं बनूंगा घर नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों जून 2011 में दोस्तों मैं पीडी बना, फिर बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशंस, उसके अगले महीने दोस्तों मैं ईडी बना। इस तरीके दोस्तों मैंने सबको बनाते हुए, मेरी टीम ने, अप्लाइंस ने बहुत मेहनत किया मेरी प्रमोशंस के लिए, डाउनलाइंस ने भी, सब लोगों ने मिलकर मेहनत किया, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, ताली दोनों हाथ से बचती है। यस यू नो, एक व्यक्ति की मेहनत करने से सिर्फ हम कामयाब नहीं हो जाते, हम सबको मेहनत करना पड़ता है, चाहे अप्लाइंस हमारी वो भी बेचारे सपोर्ट करते हैं, डाउनलाइंस भी है, और हम भी करते थे जो हमारे लेवल पे मेहनत था, मैं सबको कामयाब करते गया। और जिसकी वजह से दोस्तों मैं मात्र 6 महीने के अंदर मैंने सही से बिजनेस की शुरुआत जून 2011 से शुरुआत किया था करना इस बिजनेस की, और मैं दिसंबर 2011 में दोस्तों इस बिजनेस में मैं आड़ी बन गया, आड़ी बना दोस्तों। और उस समय दोस्तों आड़ी का टारगेट भी ज्यादा होता था दोस्तों, 54,000 PV होता था दोस्तों, और दोस्तों मैं 56,000 PV से दोस्तों मैं आड़ी बन गया दोस्तों। आड़ी बनने के बाद दोस्तों मेरा जो पीडी लेवल का दोस्तों मेरा चेक है, मुझे आज भी याद है दोस्तों, मैंने 4 डायरेक्ट लगाया था, 3 डायरेक्ट लगाया था दोस्तों,
और उसके बाद मैंने एक डायरेक्ट और लगाया था दोस्तों, तो टोटल मिला के दोस्तों मेरा लगभग 2200 से 2300 का चेक बना था मेरा, क्योंकि कुछ ईपीडी लेवल पे भी मैंने डायरेक्ट लगाया था। उसके बाद दोस्तों मैं ईडी बना, फिर 11500 का चेक मैंने ईडी लेवल पे बनाया एक महीना का, फिर एसडी बना 24500 का चेक मेरा बना, और जब मैं आरडी दोस्तों बना तो जनवरी 2012 आरडी लेवल का जो मेरा एक महीने का पहला चेक बना था दोस्तों, एक महीने का आरडी लेवल जनवरी 2012 का, वो था दोस्तों 63,250 रुपए। मेरा आरडी लेवल का चेक बना था पहले महीने का। हाँ पर दोस्तों मैं 6 महीना घर नहीं गया था, 6 महीने ना मैं दिन रात एक कर दिया था, ना कोई खाने का टाइम रहता था, ना कोई सोने का टाइम रहता था, इन सब की कोई भूख ही नहीं रहती थी, रहती थी पर सबसे ज्यादा भूख कामयाबी की होती है। यस जानो, सिर्फ कामयाबी के भूखे थे हम, और दोस्तों जिसकी वजह से दिन रात मेहनत की। फिर दोस्तों हर महीना 50 से 60 हजार 70 हजार रुपये मेरा आना शुरू हुआ। फिर कुछ दिन दोस्तों मैं आरडी लेवल पे काम किया, घर बार बनवाना शुरू कर दिया, गाड़ी वाड़ी बाइक ले लिया। फिर दोस्तों कहते नहीं कि कोई भी इनकम अगर आप बहुत दिन तक करो तो आपको धीरे धीरे कम लगने लगती है। यस जानो, फिर मुझे लगा प्रकाश अभी हजारों से काम नहीं चलेगा, और हमारी अप्लायंस लोग सीनियर लोग उस समय डायमंड बन चुके थे, जिनके साथ हम मान लो थोड़ा सा रहने लगे थे, टच में हो गए थे, अब उनका 3 लाख 4 लाख कमाने लगे, तो हमें भी लगा सर की तरीके कोई हर ऑनलाइन चाहता अपलाइन करके पैसा कमाना। यस जानो, तो मेरी भी सोच बन गई कि मुझे भी 2-2.5 लाख रुपया कमाना है। तो फिर दोस्तों मैंने प्लानिंग किया काम करने की, और दोस्तों मैं जनवरी 2014 में दोस्तों अच्छे से मेहनत करने की वजह से जनवरी 2014 में दोस्तों मैं गिलेज के अंदर एलडीडी यानी डीडी बन गया दोस्तों। एलडीडी बनने के बाद दोस्तों मेरा पहले महीने का चेक आया था 1,90,000 रुपए का, फिर दोस्तों 2.5 लाख 3 लाख इस तरीके दोस्तों मेरे आते रहे। डायमंड लेवल पे दोस्तों यानी एलडीडी लेवल पे दोस्तों मैंने 4.5 लाख 4 लाख 20 हजार तक का इंसेंटिव मैंने बनाया, सब कुछ बेस्ट चल रहा था दोस्तों। पर कहते हैं दोस्तों सब लेवल के अनुसार सपने बड़े हो जाते हैं, सोच बड़ी हो जाती है, और जिस तरीके के मेरे अब सोच बन गई थी या सपने पूरे बना लिए थे, मुझे लग रहा था इस तरीके के 3 से 4 लाख रुपए में शायद वो सपने पूरा करने में मुझे ज्यादा समय लग जाएगा। फिर दोस्तों मैंने लग के मेहनत किया, टीम के साथ मेहनत किया, सभी लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया, एक दूसरे ने एक दूसरे को बनाते हुए दोस्तों मैं सितंबर 2016 में इस गिलेज के अंदर दोस्तों मैं जिरडी बन गया। जिरडी बनने के बाद दोस्तों अच्छे इंसेंटिव आना शुरू हुआ, अच्छे पैसे पहले भी कमा रहे थे और अच्छे पैसे कमाना शुरू किए दोस्तों, जो सपने दोस्तों बनाना बनाए थे और पहले तो पूरे कर ही रहे थे, और बड़े बड़े सपना पूरा करना शुरू कर दिए दोस्तों। और आज दोस्तों जो भी सपने बना के दोस्तों मैंने जो कभी गिलेज में काम शुरुआत किया था, आज भी कर रहे हैं, वो सारे सपने दोस्तों मैंने पूरा कर लिया। कभी स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं थी दोस्तों, आज की गिलेज की वजह से खुद के दोस्तों गाड़ी है। कभी दोस्तों गांव में एक छोटा मोटा मकान दोस्तों बना हुआ था, आज दोस्तों उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर जैसे दोस्तों शहर में 1 करोड़ से ज्यादा का मकान, इस मकान में बैठकर मीटिंग कर रहा हूँ, ये सारा पॉसिबल हो पाया गिलेज। और एक नहीं दोस्तों 3 से 4 जगह मकान भी है दोस्तों, ये सारी चीजें दोस्तों गिलेज से पॉसिबल हो पाई। गिलेज ने दोस्तों वो दिया जो दोस्तों हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। कभी एक सोच थी कि विदेश जाना है पैसे कमाने के लिए, पर दोस्तों गिलेज की वजह से कई बार मैंने विदेश से यात्राएं भी कर चुका हूँ दोस्तों, 6 से 7 कंट्रियों की मैं यात्रा कर चुका हूँ गिलेज की वजह से। तो गिलेज ने दोस्तों मैं थैंक्स करता हूँ गिलेज को और अपनी अप्लायंस को, जिन्होंने मुझे पर्पल गाइड किया और मुझे गिलेज जैसी कंपनी मिली। डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गिलेज जैसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जहाँ पे दोस्तों हम जैसे बेरोजगार लोग गरीब लोग आके दोस्तों इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करते हैं, अपना दोस्तों करियर बनाते हैं और करोड़पति बनते हैं। मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों ऐसे डायरेक्टर्स का, और एक नहीं आज गिलेज में हजारों लोग गिलेज में काम करके करोड़पति बने। बस दोस्तों फर्क है, बने वही जो इस बिजनेस को अच्छे से समझे, बने वही जो इस बिजनेस को अच्छे से करे, बने वही जो इस मौके को पहचान पाए। और आज भी दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं कि जो मैंने सपने बना के काम शुरुआत किया था तो मेरे सारे सपने आज पूरे हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सपने नहीं है। मैंने संजीव सर से एक बात सीखा था दोस्तों, आज भी याद रहता है और जिंदगी में कभी वो बात भूलूंगा ही नहीं। कहते हैं किसी इंसान को चेक करना है कि जीवित है कि मृत है, किसी इंसान को चेक करना है वो जीवित है कि मृत है, तो बस उसकी दो चीज चेक कर लो। पहला चीज, उसकी जिंदगी में कुछ सपने हैं कि नहीं है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। पहला चीज, जिंदगी में अगर आप जीवित हैं तो आपके पास सपना होना बहुत जरूरी है। जीवित है, सपना आपका सबूत है कि आप जीवित हैं। दूसरा चीज दोस्तों, पहला चीज सपना, क्या आप सभी के पास सपने हैं? क्यों दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं सपने होना बहुत जरूरी है, क्यों? अच्छा एक बात बताऊं, कहते हैं भगवान ईश्वर अल्लाह जिन्हें भी हम सब लोग मानते हैं कभी किसी फालतू चीज का निर्माण नहीं करते हैं। अगर दुनिया में किसी चीज का निर्माण किया है तो उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ मकसद रहा है। अगर पानी बनाया गया तो पीने के लिए बनाया गया, यस या नो? हवा बनाई गई तो ऑक्सीजन के लिए बनाई गई, धूप बनाई गई तो हम सभी को लिए मिली, यानी सब चीजें किसी न किसी चीज के लिए बनाई गई। यहाँ तक कि दोस्तों एक कुमुदिनी का नाम सुने होंगे आप लोग, उसको छुई मुई का पौधा भी बोला जाता है, उसकी जिंदगी 24 घंटा होती है, फिर भी दोस्तों उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा फूल निकलता है। यानी दोस्तों अगर उन्होंने फूल मतलब कुदरत ने बनाया 24 घंटा, फिर भी उसमें फूल देके जाता है। मैं समझाना चाहता हूँ आपको, सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर ईश्वर ने अल्लाह ने हमें भेजा है तो किस लिए भेजा है? इस बात का तो पक्का है कि फालतू चीज का निर्माण भगवान तो करते नहीं। अगर भगवान ने हमें दुनिया का सबसे सुंदर जीव यानी इंसान का जन्म दिया हम सभी, यस जानो, मकसद क्या है? यानी इस दुनिया में भेजने का है कि आप जिंदगी में कुछ करो। मैं सबसे बड़ा दोस्तों आपको बता देता हूँ सपनों को लेकर, कि आपके पास सपना होना बहुत जरूरी है। मगर आपसे एक बात पूछता हूँ और आप
जवाब भी दे देंगे, मुझे पता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा भाई बहन परिवार के लोगों से प्यार करते हो, मुझे सबको पता है हम सब लोग प्यार करते हैं, मैं डाउट नहीं इसमें कोई कि हम प्यार नहीं करते, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, हम सब प्यार करते हैं, पर प्यार का मतलब क्या होता है पता है? मैं आपको पता है प्यार का मतलब ये नहीं होता है मम्मी पापा भाई बहन तुम्हारे लिए चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, ये तो हम सब लोग जरूरत पड़ने पर सब कोई कुछ कर भी सकता है, पर दोस्तों जो प्यार का सत्य मतलब होता है ना, जो मैंने इस बिजनेस में समझाने के बाद, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था ये सारी चीजें, गिलेज में आने के बाद मैं भी सीखा इस सर लोगों के माध्यम से, जो प्यार का सही मतलब होता है ना, ये बातें हम लोगों को हमारे गिलेज में जरूरी है, बहुत अच्छे इंसान भी हमारी मोहन सर ने सिखाया था, बोले प्यार का जो सही मतलब होता है ना वो होता है किसी को खुशी देना, किसी के सपने पूरा करना। यानी दोस्तों इस बिजनेस को हम करते हैं, गिलेज एक ऐसी दोस्तों जगह है जहां पे आप थोड़े दिन दिक्कत परेशानी सह के आप अपने सपने तो पूरे करते ही करते हैं, साथ के साथ आप अपने मम्मी पापा भाई बहन के भी सपने पूरे कर सकते हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, क्या दोस्तों आपके मम्मी पापा के पास सपने नहीं है? बताओ आप दोस्तों, सभी मम्मी के पापा के पास सपने होते हैं। आपके गाँव में शायद आपसे अच्छा मकान किसी का बना होगा, नहीं आपके गाँव में आपसे अच्छा मकान किसी का 100% हो सकता है। आपके मम्मी पापा जब उस मकान को देखते होंगे तो आपके मम्मी पापा के दिमाग में क्या विचार आता होगा बताओ? सबके अंदर विचार आता होगा, पर हमारे माँ बाप एक उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, हमारे मम्मी पापा अपने सपने हमें कभी नहीं बताते हैं, वो अपने सर बच्चों को सपने को पूरा करने के लिए जिंदगी जीना शुरू कर देते, पर हमारे मम्मी पापा के पास भी सपने हैं। और जब गांव में कोई एक अच्छा मकान देखते हैं जो हमसे अच्छा मकान है, आपसे अच्छा मकान किसी का बना है मोहल्ले में गाँव में, तो उनके दिमाग में आता है कि काश मेरा मकान भी ऐसा हो। आपके पास अगर गाड़ी नहीं होगी फोर व्हीलर, आपके गाँव में किसी व्यक्ति के पास गाड़ी होगी फोर व्हीलर, यस, और आपके गाँव में किसी व्यक्ति के पास अगर घर में गाड़ी आती भी होगी तो आपके मम्मी पापा के दिमाग में क्या आता होगा कि काश हमारे पास भी फोर व्हीलर हो। हमारी बहन होती है, सबकी बहन होती है, यस या नो? उनका क्या सपना होता है? हर एक बहन का सपना होता है कि मेरी शादी इतनी धूमधाम से हो कि आज तक गांव में किसी की धूमधाम से इतनी शादी ना हो हुई हो। भाई होते हैं, उनके भी सपने होते हैं। तो दोस्तों गिलेज एक ऐसी जगह है जहां पे काम करके आप उनके सपने पूरे कर सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आप उनसे प्यार करते हो तो उनके सपने पूरा करो, और गिलेज है आप पूरे कर सकते हो सपने, क्योंकि दोस्तों आज अगर मैं गिलेज में कामयाब हुआ, आप खुद इस बात को एहसास कर सकते हो, क्या सिर्फ मेरे ही सपने पूरे हुए होंगे? मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे नहीं हुए होंगे, मेरे भाई बहन के सपने पूरे नहीं हुए होंगे, मेरे सबके सपने पूरे हो रहे हैं। तो गिलेज एक ऐसी दोस्तों जिंदगी है, जगह है जहां पे काम करके आप सभी के सपने पूरा कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं दोस्तों अपने लिए तो करना ही करना है, पर अपने लिए अपने से साथ साथ दोस्तों हमारे अपने मम्मी पापा भाई बहन परिवार परिवार बीवी बच्चों के लिए इस बिजनेस को करना, उनके लिए बिजनेस करना शुरू करो, आप उनकी खुशियों के लिए, उनकी खुशियों के लिए जियो, फिर देखना काम करने में कितना मजा आएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को पहली चीज बताना चाहूंगा, सपने बनाएं आप सभी लोग सफलता के लिए। अगली चीज दोस्तों, इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, सफल होना, सक्सेस होना, देखो बिजनेस कठिन नहीं है, बिजनेस सिर्फ सोच में कठिन है, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, ये बिजनेस कठिन नहीं है, ये सिर्फ सोच में कठिन है। और आपको सिर्फ गिलेज में कामयाब होना तो जानना चाहेंगे क्या करना पड़ेगा, यानी गिलेज में कामयाब होना है तो आपको अपनी सोच को ना अपलाइन की सोच से मिलाना पड़ेगा। आपके पास जैसे जैसे एजुकेशन आएगा सोच बदल जाएगी, और आपको अपनी सोच को गिलेज की सोच से मिलाना पड़ेगा। आपका काम है गिलेज की सोच से अपनी सोच को मिलाना, और सोच जब हम थोड़ा सा बदलते हैं थोड़ा सा तकलीफ होता है, तकलीफ का मतलब क्या, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, सोच बदलना आसान नहीं होता है, पर कामयाब होना है तो सोच को बदलना पड़ेगा। यस यारो, तो सोच बदलें, अपनी अपनी सोच अपनी अप्लायंस की सोच से मिलाएं। दूसरा चीज दोस्तों जो मुझे लगता है और करना भी चाहिए, कहते हैं कुदरत किसी को वही चीज देता है जो जिस चीज के लायक होता है, जो जिस चीज के काबिल होता है। तो जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो अपनी काबिलियत आप बढ़ाओ। क्या बढ़ाएं आप लोग जिंदगी में? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। यानी दोस्तों आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप एक अच्छा इंसान भी बने, क्योंकि एक अच्छा इंसान जिंदगी में सक्सेस होने के लिए बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत व्यक्ति को कोई चीज मिलती नहीं, अगर मिल भी गई तो कुदरत भी उसके आंसू छीन लेता है। तो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। कोई गलत आदतें अगर आपके अंदर है, बैड हैबिट्स है, तो उन आदतों को आप रिमूव करें, उन आदतों को आप छोड़ना शुरू करें, क्योंकि गलत आदतें इंसान को सक्सेस नहीं करती हैं। क्योंकि दोस्तों कहा भी गया है, इंसान को कामयाब और नाकामयाब उसकी आदतें करती हैं, इंसान को कामयाब और नाकामयाब उसकी आदत करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, हेलो, कहते हैं जिंदगी में हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर हम अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और आदतें वो चीज है जो इंसान का भविष्य बदल देती है। तो अपनी आदतें जरूर सही करें। ओके दोस्तों, अगली चीज दोस्तों कहते हैं जिंदगी में कामयाब होना है तो आप अपने टैलेंट को पहचानें, आप अपनी काबिलियत को पहचानें। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं, बस पहचानें। आप अपने आप को किसी से कमजोर मत समझें। दोस्तों मैं बता देता हूं, जब मैं गिलेज के अंदर प्रेसिडेंट बना था, यानी डीडी बना था,
उस समय कॉलेज में मैं सबसे छोटा उम्र का डीडी था, एलडीडी था। सोचो आप, जब मैं जीडी बना था दोस्तों, उस समय भी दोस्तों हम लोग एक दो लोग थे बिल्कुल सेम एज के थे, मैं जीडी हम लोग बने थे, बिल्कुल सबसे कम उम्र के लोग थे हम लोग। सोच लो रीजन जानना चाहेंगे। मैं दोस्तों कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझता हूं, बस ये समझता हूं कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, बस ये सोच रहती है मेरी। और इसी सोच ने दोस्तों मुझे आज यहां तक पहुंचा दी, क्योंकि दोस्तों अगर ये कर सकता है तो उससे और मुझे अंतर क्या है, बस ये दिमाग में रहता है, क्या ऐसा उसके पास जो मेरे पास नहीं है। यस यानो, वो भी मेहनती है, मैं भी भाई मजदूर परिवार से हूं, मेहनत करने से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं, और सफलता का मूल मंत्र ये मेहनत है। यस यानो, तो दोस्तों मैंने अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझा कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मुझसे नहीं होगा। और जिस शुरुआत में मैंने ऐसा सोचा भी तो जिसका मुझे खामियां खाजा भुगतना भी पड़ा। अगर ये बात मैंने शुरुआत में ही सिटी लेवल पे सोच लिया होता जब मैंने बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था अप्रैल में, तो शायद मेरा 102 महीने का जो समय खराब हो गया था वो ना खराब होता। और दोस्तों कहते हैं गलती गलती होती है, चाहे आप जाने में करो और चाहे अनजाने में करो। और अनजाने में मुझसे गलती हुई कि मैंने शुरू में इस बिजनेस को सही से नहीं समझा, शुरू में मेरे अंदर डाउट्स रहे, नकारात्मक विचार रहे, मैंने बिजनेस को सही से नहीं किया, और दोस्तों जिसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। लॉस क्या हुआ दोस्तों, जो मेरा स्टार छूट गया। अगर मैंने सही से शुरू से बिजनेस शुरू दोस्तों में किया होता तो मैं आज स्टार होता, क्योंकि दोस्तों उस समय जो कंपनी प्लान देती थी, अगर आज वो पॉलिसी होता तो शायद मैं आज स्टार होता। पर समय के अनुसार जरूरत के हिसाब से कंपनी को पॉलिसी अपनी चेंज करना पड़ता है, जरूरी भी है, करना भी चाहिए। दोस्तों जब मैं पहले जो आरडी बनने का टाइम होता था, स्टार बनने का 0+4 मंथ का टाइम मिलता था कंपनी की तरफ से, जो पॉलिसी हमारी कंपनी की थी। आज 0+7 मंथ का टाइम है, मतलब टाइम डबल कर दिया गया। पहले 54,000 PV का टारगेट होता था, आज 30,000 PV का टारगेट, टारगेट आधा हो गया और टाइम ज्यादा हो गया। तो अब स्टार बनने के लिए दोस्तों काम करें। अगर दोस्तों मैं स्टार होता तो जितना पैसे मैंने गैरेज में कमाया इतना पैसा मैं और कमा लेता। तो हर महीने दोस्तों आज भी लाखों रुपए का नुकसान होता है सिर्फ स्टार छूटने की वजह से। तो मैं चाहता हूं दोस्तों जो गलती मैंने किया प्लीज आप वो गलती ना करें, और आप सब लोग स्टार बने। उस दिन शायद हमारे वर्मा सर भी आए थे आप सभी से बात करने के लिए, उन्होंने स्टार के बारे में आप सभी को डिटेल से बताए थे कि स्टार आपको बनना क्यों जरूरी है, स्टार बनने से क्या फायदा है, स्टार अगर आप नहीं बनते हैं तो कितना बड़ा लॉस होता है, उन्होंने डिटेल से जानकारी आप सभी को दिया था। जैसे यानो परसों हमारे वर्मा सर शायद मीटिंग लिए थे तो सारी चीजें डिटेल से आप सभी को समझाए थे। तो स्टार बनने के लिए दोस्तों काम करो, क्योंकि दोस्तों कहते नहीं किसी भी चीज का इंसान को लॉस कब होता है, किसी भी चीज का इंसान को लॉस सॉरी किसी भी चीज का इंसान को पछतावा जब होता है जब वो चीज उसके हाथ से निकल जाती है। अभी आपको शायद पछतावा नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी आपके पास है स्टार बनने का मौका, अभी आप वैल्यू नहीं कर रहे, कदर नहीं कर रहे, और जिस दिन आपके हाथ से निकल जाएगा उस दिन लगेगा यार कहां से स्टार बन गए होते तो आज कितना पैसे कमाए। तो स्टार के लिए काम करो, टाइम खराब ना करो। और स्टार छूटता कैसे, समय बर्बाद करने से। शुरुआत में लोग बिजनेस को सही से नहीं समझता है, सही से नहीं करता है, मजाक के तौर पर शुरुआत कर लेगा और जिसकी वजह से उसका स्टार छूट जाता है। दोस्तों बिजनेस सीरियस होकर करें, क्योंकि आप बिजनेस में दोस्तों अपना करियर लगा चुके हैं, आप बिजनेस में अपनी जिंदगी लगा चुके हैं, तो बिजनेस को सीरियस होकर करें। तो स्टार के लिए मैं एक बार जरूर फिर से कहूंगा कि आप जरूर बने, समय बर्बाद ना करें, आलस ना करें, क्योंकि कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस। आलस ना करें, तैयार हैं आप लोग। अगला चीज दोस्तों, इस बिजनेस में आप समय दे रहे हैं तो आप अपने अंदर बनने की चाहत पैदा करो, आप अपने अंदर बनने की भूख पैदा करो। यानी दोस्तों मैं आपको समझना चाहता हूं, अगर खाना चाहे इतना अच्छा क्यों ना हो, और अगर आपके अंदर खाने की भूख ही ना हो तो खाना क्या लगेगा आपको, बेकार लगेगा, खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार काम कंपनी चाहत नहीं अच्छी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर बनने की भूख ही नहीं है, बनने की चाहत नहीं है, बनने की जिज्ञासा नहीं है, तो आपको काम और कंपनी अच्छी लगने वाली नहीं है। लगेगी, पर जो आपकी काम करने की स्पीड होगी स्लो हो जाएगी। लो, और फिर स्पीड स्लो होगी तो फिर मैंने क्या बताया, लॉस किस चीज का होगा, स्टार का होगा। तो स्टार का लॉस ना करें आप लोग, ठीक है जी, आलस ना करें, क्योंकि कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस। समय बर्बाद ना करें, अपने अंदर कामयाब होने की भूख पैदा करें, अपने अंदर कामयाब होने की जिज्ञासा पैदा करें, अपने अंदर कामयाब होने की चाहत पैदा करें, सपने बनाएं, वजह जरूर लिखें गिलेज में क्यों काम करना है। आप सभी ने 100% मैं कहता हूं, क्योंकि गिलेज ही है सपनों की दुनिया, गिलेज एक सपनों की दुनिया है जो अपने काबिलियत और टैलेंट के दम पे उन सपनों को हम पूरा करते हैं। यस यानो, सॉरी दोस्तों, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि गिलेज एक सपनों की दुनिया है, यहाँ पे सपने पूरे किए जाते हैं। और एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, भले आज आपके गांव में आपसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हो सकते हैं, और होंगे भी, आपसे ज्यादा पैसे वाले होंगे लोग, पर एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितना बड़ा सपना आपके पास होगा आपके गाँव में किसी व्यक्ति के पास नहीं। यस यानो, तो दोस्तों सपने जरूर बनाएं, क्योंकि बिना वजह कहते हैं कोई काम नहीं करना चाहिए। तो सपने अगर हम गिलेज में काम करें तो हमारे पास काम करने की सबसे बड़ी वजह है सपने। सपने होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने से क्या फायदा होता है, कहते हैं इंसान मेहनत कब करता है, जब वो मोटिवेट होता है।
इंसान मेहनत जब करता है जब वो मोटिवेट होता है, और मोटिवेशन कहां से आता है? सपनों से आता है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, सपनों से जो फायदा होता है, कहते हैं इंसान सपने इंसान को परेशानियों से लड़ने की ताकत देते हैं। जिस इंसान के पास थोड़ी बहुत परेशानी चैलेंज शुरुआत में आता है, और जिसके पास सपने होते हैं ना, वो कभी उन परेशानियों चैलेंज से टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता, समझ रहे भाई साहब? क्योंकि दोस्तों हमारा ऐसा, आपको क्या लगता है, आज हम जीडी बने तो शुरुआती दौर में हमें परेशानियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है, आसानी से बन गए होंगे? लोग मजाक नहीं उड़ाया होगा? हमारा भी लोग मजाक उड़ाए, हमारे काम का मजाक उड़ाता था। लोग बोलते थे वहां करियर नहीं बना पाओगे, वहां पे टाइम फालतू तुम्हारा चला जाएगा, बहुत सारी लोग बातें बोलता था। पर हमको गिलेज को ट्रेनिंग लिए थे, एजुकेशन लिए थे, अपलाइन पर भरोसा था, हम गिलेज को अच्छे से समझ चुके थे। तो जब समझता नहीं गिलेज को अच्छे से, वही बात दूसरों की बातों पर घबरा जाता है। हमने समझा, रिएक्शन आया, हम परेशान नहीं हुए, क्योंकि बस एक बार स्टेडी लेवल पर सीखने को मिल गई थी कि जिंदगी में उसी ने इतिहास रचा है जिसके ऊपर जमाना हंसा है। जिंदगी में उसी ने इतिहास रचा है जिसके ऊपर जमाना हंसा है, और जो जमाने के हंसने से घबरा गया, परेशान हो गया, वो कभी इतिहास नहीं रच सकता। तो जमाने के हंसने से परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। तो आर यू रेडी? अपलाइन ने बताया था कि गिलेज में कामयाब होना प्रकाश, तो शायद आपके सीनियर आपको एक ट्रेनिंग देते होंगे लॉ ऑफ एवरेज में, कहानी सुनाते होंगे राइट हैंड ब्रदर्स की, याद है आप सभी को? बोले गिलेज में अगर कामयाब होना है तो आपको राइट ब्रदर्स तक बनना पड़ सकता है। क्या हुआ था राइट ब्रदर्स के साथ में? गांव घर वाले लोग पागल बोल रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, यस या नो? तो कुछ दिन लोग आपको मजाक उड़ाएगा, क्योंकि तो कामयाबी जब आती है ना तो थोड़ा सा परेशानी साथ में लेके आती है, पर कामयाबी ज्यादा, सॉरी, परेशानी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जैसे जैसे कामयाबी आती है, परेशानी साइड हो जाती है। मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि थोड़े दिन थोड़े बहुत चैलेंज परेशानी आए तो परेशान नहीं होना, लग के मेहनत करना, और जैसे ही कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे, सक्सेस होगा। तो आगे बात दोस्तों कर रहा हूं मैं आप सभी से, आगे दोस्तों गिलेज में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे ज्यादा आपको सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। आप बनना कब चाहते हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आप सीखते कितना, जितना ज्यादा सीखोगे। हमारे सरबजीत सर कहते हैं जो सीखता है वही जीतता है, जब तक सीखते रहेंगे जब तक जीतते रहेंगे। तो सीखना कभी बंद करना। और दोस्तों किसी कामयाब व्यक्ति ने कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो दोस्तों गिलेज में कामयाब होना है तो आपके पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास एजुकेशन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो बिजनेस आपके लिए आसान होने लगता है, और बिजनेस में जल्दी कामयाब हो जाते हैं। आपके पास ज्ञान होता है तो सफलता पाना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको दोस्तों बता भी देता हूं, इस बिजनेस में कामयाब होने में, सफल होने में, सक्सेस होने में जो आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा वो गिलेज का अपलाइन तो करता ही करता है, पर अपलाइन के साथ साथ आपका एजुकेशन मदद करेगा, यस या नो? तो एजुकेशन पार्ट बहुत जरूरी है। अगला चीज दोस्तों, मैं फिर वही कहता हूं, समय बर्बाद ना करो, क्योंकि हमेशा अपने आपसे एक बात पूछो, हमेशा दिन में चार बार पूछो अपने आपसे, मैंने गिलेज में बिजनेस क्यों शुरू किया है? हमेशा पूछो। हम यहाँ कोई समाज सेवा तो करने आए नहीं, टाइम पास करने तो आए नहीं, हम सब लोग यहाँ कैरियर बनाने आए, हम सब लोग यहाँ पैसे कमाने के लिए आए। तो समय बर्बाद ना करो, हमेशा अपने आप से एक सवाल करो, पूछो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करने आया हूँ, यस या नो? ये विचार हैं जो हमेशा अपने आपको एक्टिव करेंगे, और आपको काम के प्रति मोटिवेट करके मेहनत करवाएंगे और प्रमोशन दिलाएंगे। हमेशा अच्छे और कामयाब लोगों की संगत करें, ये बात मैं आपको भी जरूर बता देता हूँ। कहते नहीं संगत से गुड़ आते और संगत से गुड़ जाते। किसी भी व्यक्ति की संगत करने से पहले आप चेक कर लेना, वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, नकारात्मक विचार रखने वालों से हमेशा दूर रहें, और गंदे विचार रखने वाले, गंदी आदत रखने वालों से हमेशा दूर रहें। हमेशा अच्छे विचार और अच्छे विचार रखने वाले और कामयाब व्यक्तियों से ही संगत करें। हमेशा ऐसे लोगों के आप संपर्क में रहें जो आपको कामयाब कर सकते हैं, जो आपके आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों के ही संपर्क करें। अगली चीज दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, जैसे कुछ चीजें आपकी कामयाबी के लिए रुकावटें बन सकती हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको कामयाबी के लिए आपकी बाधाएं होती हैं, जिनमें से दोस्तों सबसे पहला चीज होता है डर। और कहा भी गया दोस्तों, जो डर गया वो घर गया, मर गया। पर दोस्तों हमारे बिजनेस में मरने की कोई बात नहीं होती है, पर दोस्तों कहा जाता है डर इंसान का कामयाबी को, डर इंसान को, डर इंसान की कामयाबी से दूर कर देता है। तो डर आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है, तो डरना मना है। दूसरा है दोस्तों शर्म, यानी गिलेज में कामयाब होना तो ये चीजें आपको सही करना पड़ेगा। पहला चीज, आपको गिलेज में कामयाब होना है तो डर निकालना पड़ेगा, शर्म निकालना पड़ेगा। कहते जो करता है सर उसके पूरते कर्म, जो डर गया वो हार गया, जो डर गया वो हार गया, जिसने डर को निकाल के काम किया वो जीत गया। तो जीतना है तो डर को निकालो, ठीक है जी, शर्म ना करो। दूसरा चीज दोस्तों, आलस, आलस आपके पास नहीं होना चाहिए, आलस डेंजर है आपके लिए। अभी नहीं, मतलब आलस का मतलब होता है काम को टालना, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, नहीं, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आपका एक एक मिनट, कहते हैं किसी भी इंसान की जिंदगी का
सबसे कीमती चीज अगर मैं आपसे पूछूं ना, और आप जानते भी हो सब लोग, पर और आज से याद रखना मेरे साहब लोग, कहते किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती चीज होता है टाइम। टाइम से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं होती जिंदगी में। हर चीज जाने के बाद आप वापसी ला सकते हो, पर टाइम एक बार अगर जिंदगी से चला गया तो वो टाइम जो एक बार बीत गया वो कभी वापसी नहीं ला पाएंगे। कहते जिंदगी में सफलता वो लोगों ने हासिल किया है जिन्होंने समय का सदुपयोग किया है। अगर जिंदगी में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सफलता वो लोग हासिल करते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। तो आप जो भी समय, हम सभी को जिंदगी में हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, तो हमें अपना सारा समय हमेशा अपनी कामयाबी में लगाना चाहिए, हमेशा अपना समय अपनी सफलता को और अपनी बिजनेस को और अपने प्रमोशन को आगे ग्रोथ करने में लगाना चाहिए। समय का सही समय उपयोग करो। अगली चीज दोस्तों, कहते हैं लापरवाही इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान किसी भी काम में लापरवाही करेगा उस काम में वो असफल होगा। जैसे आप गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, और आप गाड़ी बाइक चलाते समय अगर आप लापरवाही करो तो क्या होगा, एक्सीडेंट होना ना। तो उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस की लापरवाही करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ो, लापरवाही ना करो। अगला चीज कहते हैं बहानेबाजी। कहते हैं कामयाबी और बहानेबाजी कभी साथ नहीं चलती है। या तो जिंदगी में आप बहानेबाजी कर लो और या तो फिर आप कामयाबी ले लो। अब देख लो क्या चाहिए आप, तो बहानेबाजी नहीं करना। तो तैयार हैं आप लोग, त्याग के साथ मेहनत करें, संघर्ष के साथ करें और प्लानिंग के साथ करें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। और देखो कामयाब होना है ना, कामयाबी का जो मूल मंत्र होता है ना वो होता है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का नियम। हमेशा हमें मेहनत अपने औसत के नियम से करना चाहिए। ट्राई अगेन ट्राई अगेन। देखो गिलेज में सक्सेस होना तो एक मूल मंत्र याद कर लो, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन टिल सक्सेस। जब तक आप कामयाब ना हो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, और एक ना एक दिन दोस्तों आप गिलेज के चमकते सितारे जरूर बन के खड़े होंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा साथी मिलेगा जो आके हीरो बनेगा और आपको हीरो बना के खड़ा कर देगा। कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आके लाखों रुपया महीना कमाएगा और आपको लाखों रुपया महीना कमवाएगा। बस पेशेंस रखो, भरोसा रखो। तो तैयार हैं आप लोग। बाकी दोस्तों आज कितनी तारीख है, 27 तारीख है, और 27 तारीख मतलब 27, 28, 29, 30 अभी 4 दिन है। और 4 दिन दोस्तों ना डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों मेरा जून में ना 27-28 तारीख तक ना मेरा दोस्तों 2 सेल हुआ था प्रमोशन के लिए, सोचो। और दोस्तों 3 दिन में हम लोगों ने मतलब 3 सेल और निकाल के 5 सेल मेरा प्रमोशन हुआ था। तो मैं कहता हूं दोस्तों आप पूरे सभी लोग कोशिश करें, आप जितने ज्यादा लोग हैं इसमें पीडी प्रमोशन सीडी प्रमोशन लेने की, और दोस्तों जो लोग अभी मान लो जिनके नीचे एक या दो लोग नहीं है, डाउनलाइन नहीं है, कभी अपलाइन नहीं है, तो कम से कम 1 से 2 लोगों का टीम बनाए, अपलाइन बने, ताकि अगले महीना ही आप सीटी टू ईडी का प्रमोशन निकाल सके। यस या नो? तो तैयार हैं आप लोग। बाकी दोस्तों मैं अपनी बारी को आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए और भगवान ईश्वर से अल्लाह से विनती करूंगा, जिस तरीके से गिलेज ने मुझे कामयाब किया आप सभी को कामयाब करें, जिस तरीके से मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं आप सभी की जिंदगी में खुशियां। बाकी आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बाणी को अभी विराम करता हूं। फाइनली बेस्ट आप लग, जय हिंद जय गैलवे, थैंक यू।